हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स इंप्रूव इंग्लिश। मैं हूं सुनील और मैं लाता रहता हूं इस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश के बेहद इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल लेसन्स। आप भी पाना चाहते हो लेसन्स को और देखकर इंप्रूव करना चाहते हैं अपनी इंग्लिश, तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है सब्सक्राइब का उसे क्लिक कर दीजिएगा, उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ सीखने वाली इंग्लिश की वीडियो अगर अपलोड करूं तो फटाफट आपको पता चल जाए और इस वीडियो को देखकर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें और उस वीडियो का फायदा उठा सकें। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे चैलेंजेस की, या फिर कहें कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स की जो आपके रास्ते में आते हैं और इंग्लिश के उस फ्लुएंसी लेवल पर आपको पहुंचने नहीं देते जहां पर शायद आप पहुंचना चाहते हो। नंबर वन, यू बिकम शाय। यस, देखो जैसे कि अगर आपसे किसी ने कहा कि चल अपना नाम बताओ और अपने फैमिली के बारे में कुछ बताओ तो शायद आप बता देंगे, लेकिन वही बात आपसे कही गई कि इंग्लिश में बताना तो आप कहते हो अरे नहीं 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 हिंदी में बता दूंगा ना, इंग्लिश में बताने की क्या जरूरत है। इसका मतलब है कि आप शर्मा रहे हो। फ्रेंड्स, आप शर्माते क्यों हो? इसमें शर्माना कैसा? अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो और इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इंग्लिश में कुछ बातें बता रहे हो, तो इससे लोगों को अच्छा ही लग रहा है, आपको शर्म क्यों है? सबसे पहले तो इस शर्म वाली प्रॉब्लम को उठा के बाहर फेंकिए। नंबर टू, यू आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। जी, आप गलतियां करने से डरते हो। फ्रेंड्स, गलतियां कौन नहीं करता? आप शायद ऐसा सोचते हो कि कहीं मैंने इंग्लिश का कुछ सेंटेंस बनाया और उससे कुछ बात की और मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, कुछ ग्रामर में मिस्टेक कर दिया, फिर कोई भी मिस्टेक हो गई तो वो क्या सोचेगा, इसे तो इंग्लिश नहीं आती यार, ये तो गलत इंग्लिश बोल रहा है, या फिर आपका मजाक उड़ाएगा। यार, गलतियां कौन नहीं करता? इस दुनिया में सब मिस्टेक्स करते हैं और मिस्टेक्स से ही सीखते हैं। सही मायनों में अगर बात करें तो मिस्टेक्स करना गलत नहीं है, लेकिन मिस्टेक से कुछ ना सीखना और दोबारा कोशिश ना करना ये गलत है। तो हमें कभी भी मिस्टेक से डरना नहीं चाहिए, और आफ्टर ऑल Mistakes are proof that you are trying to learn something. आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, इसी बात का तो सबूत होती है गलतियाँ। अगर कोई गलतियाँ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है वो कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहा है, कुछ नया सीख ही नहीं रहा है, तभी तो उससे गलतियाँ नहीं हो रही। गलतियाँ नहीं हो रही है तो मतलब वो कुछ नया सीख ही नहीं रहा है। आप भी मिस्टेक्स करने से डरिए मत फ्रेंड्स, मिस्टेक्स करते रहिए और मिस्टेक से सीखते रहिए, ठीक है? चलिए बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट। नंबर थ्री, यू डोंट स्टिक टू योर ओन डिसीजन। हाँ फ्रेंड्स, ऐसा काफी सारे इंग्लिश लर्नर्स करते हैं। आप में अचानक से बहुत जोश आ जाता है, एकदम से पता नहीं कहां से आप सोचते हो हाँ अब तो मैं इंग्लिश बोल के दिखाऊंगा, अब तो अपने सारे फ्रेंड्स को सभी रिश्तेदारों को दिखा दूंगा कि मैं कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ। आप फौरन से जाते हो मार्केट और खरीदते हो बहुत सारी बुक्स, हो सकता है 500, 1000 या 1500 बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हो, या फिर आप इंग्लिश के यूट्यूब लेसन देखने लग जाते हो, वीडियोज देखने लग जाते हो, या फिर पता नहीं कितने तरह का स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हो और सीखने लग जाते हो। तभी जैसे ही 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन गुजरते हैं तभी आपके मन का वो जो जोश है वो ठंडा हो जाता है और फीका हो जाता है, और फिर आप अपने आप से कहते हो छोड़ यार कोई फायदा नहीं हो रहा इंग्लिश सीखने से, मैं सीख ही नहीं पा रहा हूँ, चलो कुछ और करते हैं। और फिर आपके बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, कुछ आपके रिश्तेदार होते हैं, वो आपके पास आते हैं कहते हैं क्यों अंग्रेज बन रहा है यार, छोड़ना इसकी पिट को, अंग्रेज चले गए और तुझे छोड़ गए, और आपको भी लगता है हाँ यार मेरा दोस्त तो सही कह रहा है, छोड़ो इंग्लिश को, मैं हिंदी बोल लेता हूँ। फ्रेंड्स, आप इंग्लिश को उस लेवल से क्यों देखते हो? इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है। आप तो ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जो एक बार में 7-8 लैंग्वेजेस बोल लेते हैं, एक बार में 7-8 लैंग्वेज सीखते हैं, बोलते हैं, और फ्रेंड्स हमें तो हिंदी के अलावा ये इंग्लिश ही सीखनी है, और इसमें भी हम सोचते रहते हैं नहीं यार कैसे सीखूंगा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं सीख पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं। फ्रेंड्स, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को कायम रखिए, और फिर मैं तो हूँ ही यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए। नंबर फोर, यू डोंट प्रैक्टिस। यस, दरअसल देखिए आप पढ़ते कैसे हो? आपने बुक उठाई, आपने बुक का एक लेसन देखा, उसमें 4-5 रूल्स लिखे होते हैं, वो रूल्स आपने पढ़े, और फिर 10-12 सेंटेंसेस दिए होते हैं उसी किताब में, वो 10-12 सेंटेंसेस आपने कर लिए और आपको लगता है हाँ मैं अब तो सीख गया, अब ये रूल मुझे आ गया, या फिर अब ये स्ट्रक्चर मुझे आ गया। लेकिन फ्रेंड्स, आपको कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि आपने अभी तक अपने माइंड की क्रिएटिविटी का यूज तो किया ही नहीं, आपने खुद सोच के कुछ ना कुछ ऐसे सेंटेंस बनाए ही नहीं। जब तक आप खुद अपने दिमाग से कुछ सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, अपने खुद के सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, एग्जाम्पल्स नहीं तैयार करेंगे, तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। आपको खुद के एग्जाम्पल्स बनाना बिल्कुल जरूरी है। सिर्फ किताब के वो गीता पढ़ती है, गीता पत्र लिखती है, ये सब पढ़ के आप इंग्लिश बोलना कभी नहीं सीख सकते फ्रेंड्स। तो आपको अपने सेंटेंसेस जरूर बनाने हैं, ओके? नंबर फाइव, डोंट आस्क पीपल टू रिपीट। हाँ, कई बार आप ऐसा सोचते हो चलो इंग्लिश में बात करते हैं, इसमें बात करता हूँ, लेकिन अगले ही पल आप ऐसे सोचते हो कहीं इसने कुछ बोला इंग्लिश में और मेरे वो पल्ले नहीं पड़ा, मेरे वो समझ नहीं आया, तो मैं उसे तो क्या करूंगा यार। क्या करोगे फ्रेंड्स, दोबारा से पूछना है, बोलना यार फिर से बता दे एक बार, मुझे समझ नहीं आया तूने क्या बोला। ऐसा बोलने में आप पता नहीं क्यों हिचकिचाते हो, ऐसा बोलने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना है फ्रेंड्स। अगर आपको किसी की कोई बात समझ नहीं आती है तो आप उसे रिपीट करने के लिए कह सकते हो, आप सिंपली बोल सकते हो हे फ्रेंड प्लीज रिपीट दैट, आई डिडंट गेट इट, दोस्त मुझे प्लीज फिर से एक बार बता दो, मुझे समझ नहीं आया, जो भी आपका सर है या जो कुछ भी है, सर बोलना जैसे भी।
अगर आपको ढंग से उसकी बात सुनाई नहीं दी है तो आप उसे रिपीट करवा के दोबारा से सुन सकते हो और फिर अपना जवाब फिर अच्छे से दे सकते हो। तो कभी भी लोगों से बात करने में, कुछ पूछने में शर्माए नहीं, हिचकिचाए नहीं, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस जो मुझे लगता है आप फेस करते होंगे। तो अब से इन प्रॉब्लम्स से कैसे निपटना है आपको थोड़ा तो आइडिया आया होगा, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो इंग्लिश के कुछ ऐसे ही बेहद इंटरेस्टिंग और कुछ सीखने वाले लेसन, सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, सही ग्रामर का यूज कैसे करते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं इंग्लिश सेंटेंस बनाने में जो हमें नहीं करनी चाहिए, इन सब के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर आप भी किसी इंग्लिश के कोई स्पेशल टॉपिक में अटकते हैं या फिर कोई टॉपिक है जो आपको परेशान करता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊं और आपको वो चीज क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं इंग्लिश के नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।